स्टार्ट करना। सबसे पहले हमें चाहिए एक A4 शीट। वैसे ये हर एक पेपर से बन सकता है पेपर बोर्ड, लेकिन मैं अभी यहाँ पर A4 शीट ले रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सीधा पेपर रेक्टेंगल शेप में रखना है और उसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर ऐसे करके हमको जो पेपर रखना है वो ऐसे कर देना है। फिर इसको एक बार हम ऐसे वैसे ही फिर से स्ट्रेट पेपर रखना है, सीधा पेपर, उसको हमें ऐसे फोल्ड कर देना है। और फिर जो है हम इसे फोल्ड करके दोबारा खोल देंगे। इससे यहाँ पर एक लाइन आएगी और हम लोग इसे ऐसे पेपर बोर्ड के लिए ऐसे करना है, एक हाफ रेक्टेंगुलर जैसा, सॉरी एक हाफ ट्रायंगल जैसा। फिर हमें दूसरे साइड से भी ऐसे ही करना है और इसे इक्वल इक्वल करना है। ये नहीं कि एक हम लोग यहाँ तक ला दें रेक्टेंगुलर और सॉरी ट्रायंगल और एक हम लोग यहीं तक ला दें, ऐसे हमें नहीं करना है। हमें इसे यहाँ से इक्वल रखना है। तो हम एक बार इसे टाइट कर लेते हैं। तो फिर जो है हमको करना है कुछ इसको ऐसे जैसे एक बोट जैसे शेप में आ जाए, लेकिन अभी हमारी बोट नहीं बनेगी। फिर हमें इस वाले पेपर से भी वैसे ही करना है। तो मैंने इस वाले साइड से भी पेपर बोट को वैसे कर दिया है। और अब हमारे नीचे एक ठो गैप रहेगा, उसे हम पहले अंदर से स्ट्रेट कर लेते हैं। अब खोल के हम इसको ऐसे कर देंगे और फिर ये जो पेपर दोनों उठे हुए हैं हम लोग इसे ऐसे कर देंगे और दूसरे साइड में भी ऐसे ही हम लोग कर देंगे। और फिर जो है हमको एक रेक्टेंगुलर बनाना है, जैसे इसको हमें इस वाले साइड से मैच कर देना है। लगभग हमारी बोट आधी बन चुकी है। और फिर हमें दूसरे साइड से भी ऐसे ही कर देना है। फिर से हमें नीचे कोई गैप मिलेगा, हम उसे खोल के पहले स्ट्रेट कर लेते हैं अंदर से। अब जो है हमको इसको ऐसे कर लेना है और फिर हमें ऊपर से इसको खोल लेना है। फिर हमें खोल के पूरा ऐसे फैला देना है ताकि आपकी बोट जो है सही शेप में आ जाए। और फिर जो हमारी पेपर बोट है वो पूरी रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।